नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक मीरा भाईंदर के सभी गणपति उत्सव मंडल को जाकर के भेंट दे रहे हैं और उन्हें गणपति बाप्पा का आशीर्वाद मिले इस तरीके के, और शहर में शांति अमन कायम रहे, लोगों में खुशहाली पैदा हो, इस तरीके की कामनाएं हर मंडल में जाके करें। क्या करेंगे सर, अब तक कितने गणपति मंडल में आपने जाकर आए और क्या महसूस? ठाणे और मीरा भाईंदर करके करीबन 400 से 500 गणपति मंडल अभी तक हो गए पहले दिन से, और बहुत ही अच्छा वातावरण है। ये तो मैं हर साल करता हूँ, ये क्या इलेक्शन है इसलिए कुछ लोग अभी भागदौड़ कर रहे हैं, मगर मेरा तो 15 साल से विधायक के तौर पर, उसके पहले भी करीबन 30-35 साल से मैं हर मंडल के पास जाता हूँ, मिलता हूँ उनकी जो लोगों को कुछ देने के लिए मैसेज जो रहता है वो उनके पास से सुनता हूँ, अच्छा लगता है। हाँ, सब जगह पे मुझे जो जो मैसेज उनका रहता है 10-15 मिनट का रहता है तो उतना टाइम नहीं रहता है, मगर फिर भी 2-2 मिनट के डिस्टेंस से मैं सभी को मिलने की कोशिश करता हूँ, और 10 दिन में पूरा मीरा भाईंदर और ठाणे सभी जगह पे लोगों को से मिलके बहुत अच्छा लगता है। और आज तो हमारे जो नूपुर नगर की शाखा है उसके मुस्तफा वनेरा ने बहुत ही अच्छा एक एग्ज़ाम का कार्यक्रम रखा था, जो कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट की योजना है, उसके माध्यम से 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को अगर वो ड्राइंग कंपटीशन में वो अगर ए कैटेगरी बी कैटेगरी में अगर आते हैं तो उनको 7 मार्क 5 मार्क ऐसे मार्क्स भी एग्ज़ाम में उनका फ़ायदा होता है, तो उसके लिए भी वो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम उन्होंने रखा है, तो मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ। आज इस मंडल में आने के बाद हमारे शाहजी भाई यहाँ पे लेके आए और बहुत अच्छा लगा, प्रसन्न वातावरण है, और हमारे कौस्तुभ राणे के पिताजी यहाँ पे मिले, मैं तो हमेशा उनको मिलते रहता हूँ कुछ ना कुछ कार्यक्रम से, उनके ज्योति राणे जी जो माता जी है कौस्तुभ की, उनका मैसेज मुझे हर फंक्शन के वक्त आते रहता है, तो ये हमारी संस्कृति और परंपरा जतन करने का काम राणे परिवार कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है इनको सभी को मिलके। आज एक बात उन्होंने कही है, जो ये शाल मैंने पहनी है वो प्लास्टिक से बनी हुई मटेरियल से ये शाल बनी है, और बहुत ही अच्छा उन्होंने मुझे ये जो न्यूज़ है वो दी है, तो उसके माध्यम से मीरा भाईंदर शहर और ठाणे के जो प्लास्टिक या अलग अलग टाइप का जो कचरा रहता है तो उसकी वजह से अगर कुछ अच्छी चीज़ें अगर बनाती है तो हम ये टेक्नोलॉजी मीरा भाईंदर शहर में और ठाणे शहर में लेके आएंगे, ताकि प्लास्टिक की वजह से जो आने वाले भविष्य में जो नवीन पर्यावरण का रक्षण करने की जिम्मेदारी जो है हमारे ऊपर या लोक प्रतिनिधि के ऊपर, हम ऐसे काम भी करते रहेंगे ताकि लोगों को उसकी सुविधा मिल सके। मैंने राज्य शासन के माध्यम से करीबन 150 करोड़ रुपए की निधि कचरा प्रकल्प के लिए मीरा भाईंदर शहर को मैं लेके आया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के माध्यम से, तो उसमें अगर ये प्रोजेक्ट हम कर सकते तो ऐसा प्रोजेक्ट करने की मैं कोशिश करूँगा, ताकि भविष्य में उसका फ़ायदा मीरा भाईंदर शहर के और ठाणे के जनता को होगा। ठीक है।